Right now we are here at the British Muslim Heritage Center. They organized the event for the diverse communities to remember those who being killed yesterday in the terrorist attack in Manchester. The leaders from diverse communities are also present, and over 1,000 people from different communities, from different backgrounds, attending this event in British Muslim Heritage Center in Manchester. ये जो event है हमने organize originally की थी कि हम जो के रमज़ान से कुछ दिन पहले हर साल करते हैं और ये रमज़ान की खुशियों में ये मुनक्कद की जाती है, लेकिन चूँकि कल रात को ये हादसा हुआ है मैनचेस्टर में, और उसको हम इस इवेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया है कि ये एक कम्युनिटी इवेंट सारी कम्युनिटीज़ के लिए करें, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए। और चूँकि ये अदारा इसीलिए कायम हुआ है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए, और इसीलिए हमने ये जो इवेंट है इसको चेंज किया है कि भाई ये जो हादसा हुआ उसको यादगारी के लिए। Well, yesterday was a tragedy for the whole of Manchester. We saw a cowardly act which tried to divide our communities. But here in Manchester, Mancunians are a resilient bunch of people, and we've come more closer together. What the cowards wanted to achieve will never become an eventuality, because here it's about peace and love, which will be much more stronger than hate and divide. So alhamdulillah, this event promotes peace, promotes togetherness, and we are one community, one love. देखें जी, बहुत बड़ा सदमा है, ये जो ट्रेजिडी हुई है, जिन मासूम बच्चों की जो जानें इतनी ज़ाया हुई हैं, ये पूरी मैनचेस्टर की तारीख में कभी आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमने फिर देखा है कि मैनचेस्टर जो के लोग जो हैं, जो इतनी रिचनेस और डाइवर्सिटी यहाँ पे है, वो कितने प्यार जोसेफ के साथ फिर मिले हैं। आज मैनचेस्टर टाउन हॉल के बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड लोग जमा हुए हैं, और बड़े जज्बे के साथ उन्होंने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। और आज यहाँ ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के अंदर भी यही चीज़ हुई है कि मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ़ फेथ से वो जमा हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि वी विल स्टैंड टुगेदर। ये जो अंधोनाक सानिया हुआ है कल, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इस पर जो मैनचेस्टर की तमाम कम्युनिटीज़ हैं उनका जो रिएक्शन रहा है वो बहुत काबिले दीद है, और वो रिएक्शन है अमन का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का, और इस बात का अज़्म का कि हम इन दहशतगर्दों को ना तो अपने सोसाइटी में दहशत पैदा करने देंगे और ना तकसीम पैदा करने देंगे। और तमाम यहाँ कम्युनिटीज़ मिलकर यहाँ पर जमा हुई हैं और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया। Well, we work in the cathedral, which is right next to the arena, and we're still not able to get back in there at the moment, but we're just devastated with the rest of the city by what's happened, and you know, we just can't believe that somebody could be so cold-hearted and cruel to target a group of children. And it really doesn't matter, you know, what faith they are, it's the act that's the terrible thing. And we share with brothers and sisters of all faiths and none, and particularly with the Muslim community at this time, in praying that we can all stand together and just remember that the gift of love is far stronger than the gift of hatred and evil, and together we can transform what's just an awful situation. ये बहुत बड़ा एक इवेंट मैनचेस्टर में हुआ है। मैं समझता हूँ कि जितना भी इस पर अफसोस किया जाए कम है। आज इसी सिलसिले में यहाँ ऑल कम्युनिटीज़, ऑल फेथ्स यहाँ पे जमे हैं, उनके साथ जो जो भी इसमें विक्टम्स हुए हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए। तो कोई भी किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक हो, ये इंसानियत सबसे पहले आती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसको ब्लेम किया जाए, जो जिन्होंने भी ये किया है वो इंसानियत कराने के भी काबिल नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि हम सबको यूनाइट हो के ऐसे हम जो मौके हैं उन पे इकट्ठे हो के तो शो करना चाहिए कि वी ऑल स्टैंड टुगेदर। आई थिंक इट वाज थॉरली शॉकिंग एंड डिस्पिकेबल, एंड टू पिक ऑन चिल्ड्रन, इट जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट, एब्सोल्युटली ब्रेक्स माय हार्ट। And I do a lot of work in interfaith, and this is the way forward, is interfaith people talking to each other, joining together, just like tonight. I think tonight was really uplifting, but it shouldn't take something like that to make people come together. I think yesterday's incident was something that brought
out the worst of mankind and what they can do, but through that, action of hatred from one person, it actually galvanized the whole city together through their generosity, people offering their houses, taxi drivers, restaurants, people coming together in vigils, in prayer. It's brought out much more positiveness in our shared humanity, and the fact that we will not be defeated by single acts of hatred.